नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे और सुरक्षित ही होंगे और घर पे ही खेलते होंगे। पिछली कक्षा में हमने छोटा उ और बड़ी उ की मात्रा के शब्दों को किया था। आज हम इस कक्षा में छोटा उ और बड़ी उ की मात्रा के शब्दों के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन उनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा उ और बड़े उ की मात्रा के शब्दों से बना एक एनिमेशन दिखाती हूँ, जिसमें आपको मात्राओं का और भी अच्छे तरीके से ज्ञान हो जाएगा। चलिए। जून और मुनिया। हाँ, जून का महीना था, लू थी और पसीना था, सूरज चमके चम चम चम, बहुत नाक में करता दम, रुई से बुढ़िया माँ के बाल, मलमल से सिर माला माल, खूब कहानी कहती है, संग मुनिया के रहती है, जूते संग क्यों रहे जुराब, क्यों अच्छा है फूल गुलाब, कछुए की धीमी क्यों चाल, मुनिया पूछे बहुत सवाल, नल से पानी खींचे मुनिया, फुलवारी को सींचे मुनिया, अम्मा बोली करे गुड़ाई, मुनिया जरूर पाले आई। कैसा था बच्चों एनिमेशन? मजा आ गया ना? मुझे तो लगा कि शायद आप इस एनिमेशन में गुम ही हो गए। दिखने में भी बहुत सुंदर था और मजा भी आ रहा था, लेकिन बहुत छोटा सा था, है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो अब हम इसकी पंक्तियों को पढ़ते हुए इसकी मात्राओं पर एक बार फिर से ध्यान देते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसका हेडिंग पे ही देखेंगे कि इसका नाम जो है कविता का वो क्या है। ज, ज पर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े उ की। जू, जू, न, जून। और म, म पे कौन सी मात्रा है? छोटे उ की। म, न, न पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की। और या, या पे कौन सी मात्रा है? आ की। मुनिया, आप इसको मन में बनाने की कोशिश किया करो, कम से कम आगे बोला करो, जैसे मैं अपने मन में ही बनाते रखूंगी। म पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? मुंह। तो अपने मन में ही रखना है। जब आप जोर से बोलोगे तो आपके मुंह से निकलना चाहिए मुंह। मात्राओं को अपने मन में ही बोलने की धीरे धीरे कोशिश किया करो, ताकि आप शब्द को पूरा पढ़ पाओ। चलो अब इसकी पंक्तियों को पढ़ते हैं। हाँ, जून का महीना था। महीना में देखो कौन सी मात्रा लगी हुई है? म में कोई मात्रा नहीं है, और ह में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की। तो बोलेंगे ही ना। न पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। महीना था, कौन सा महीना था? जून का। लू थी, ल पे देखो कौन सी मात्रा है? बड़े उ की। लू थी और पसीना, अपने मन में ही करके देखो, स पे कौन सी मात्रा है? बड़े ई की। तो क्या बनेगा? पसीना, पसीना था। जब जून का महीना होता है तो बहुत ज्यादा लू चलती है, यानी कि लू मतलब गर्म हवाएं चलती है तेज, तब क्या होता है, हमें गर्मी लगती है और पसीना आ जाता है। सूरज, सूरज पे देखो कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े उ की। तो बोलेंगे सूरज, सूरज। चमके, ये ए की मात्रा मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको बताऊंगी। चमके, चम चम चम, सूरज जो है वो कैसे चमकता है? चम 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 चमकता है। बहुत नाक में करता दम, हमारी नाक में बहुत दम करता है, क्योंकि सूरज बहुत तेज चमकेगा तो क्या होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और हमको गर्मी में क्या होगा, पसीना लगेगा, और पसीना बहुत ज्यादा आने लग जाएगा, हम क्या करेंगे? तो कहेंगे कि सूरज जो है नाक में दम करता है, जाता ही नहीं है और बादल आते नहीं है। आगे हमें दे रखा है रुई सी बुढ़िया। ब पे कौन सी मात्रा है? पहले तो देखो रुई पे देखो कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, रुई। और बुढ़िया पे देखो ब पे कौन सी मात्रा है बताओ? ब पर है छोटे उ की मात्रा। तो बोलेंगे बु, बुढ़िया। य पर आ की मात्रा है, बुढ़िया। माँ के बाल, रुई से बुढ़िया माँ के बाल। जो बुढ़िया माँ है, दादी माँ है, उसके बाल जो है एकदम नरम नरम से हैं। कैसे हैं? रुई जैसे हैं।
मलमल से सिर माला माल, जो उनका सिर है वो नरम नरम बालों से भरा हुआ है। खूब कहानी कहती है, ख पर देखो कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, खूब खूब। क हानी, नी पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, कहानी कहती कहती। त पर कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, कहती है, जो दादी माँ है खूब सारी कहानियां सुनाती है। संग मुनिया के रहती है, संग में देखो कोई मात्रा नहीं लगी हुई है, एक बिंदी लगी हुई है, इसीलिए हम उसको न में पढ़ते हैं, संग मुनिया। म पे देखो कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, और न पर छोटी ई की, और य पर आ की, तो कैसे पढ़ेंगे, मु नी या मुनिया। के र ह त, त पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की, तो पढ़ेंगे रहती रहती है। देखो इसको वापस से इस पैराग्राफ को बताती हूँ। बूढ़ी माँ के बालों के बारे में बता रखा है कि उनके बाल जो हैं सर पर बहुत सारे हैं, और कैसे हैं, रुई जैसे, एकदम मलमल जैसे, एकदम नरम नरम से। और दादी माँ क्या करती है, मुनिया के साथ रहती है, संग मतलब साथ रहती है, और उसे खूब सारी, बहुत सारी कहानियां भी सुनाती है। आगे पढ़ेंगे, ज पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़े ऊ की, और त पर ए की, जो हम आगे पढ़ेंगे, जूते जूते। संग इसको पढ़ेंगे क, यों, ओ की मात्रा लगी है, क्यों, रहे, ज पर ऊ की मात्रा, जुराब। संग जूते, संग क्यों रहे जुराब, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जूते के साथ में जुराब क्यों रहती है, क्यों। अच्छा है फूल, फ पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, फूल, बु लाब। ग पर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, इसीलिए गुलाब। क्यों अच्छा है फूल, गुलाब के फूल जो है गुलाब का, वो सबको अच्छा क्यों लगता है। क छु, ए कछुए, छ पर मात्रा है, छोटे ऊ की, क पर कौन सी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की, इसीलिए मैंने उच्चारण को थोड़ा सा लंबा किया है, की, धीमी। ध पर बड़ी की मात्रा, और म पर भी बड़ी की मात्रा, धीमी। क्यों चाल, चाल पर, च पर कौन सी मात्रा है, आ की, इसलिए बोलेंगे चाल। कछुए की धीमी क्यों चाल, कि जो कछुए की चाल है वो धीमी धीमी धीरे धीरे क्यों चलता है। मुनिया पूछे, प पर कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की, पूछे, बहुत, बहुत, ह पर है छोटे ऊ की मात्रा, बहुत, सवाल, सवा, व पर कौन सी मात्रा है, आ की, सवाल। इन पंक्तियों को वापस से देखते हैं, जूते संग क्यों रहे जुराब, क्यों अच्छा है फूल गुलाब, कछुए की धीमी क्यों चाल, मुनिया पूछे बहुत सवाल। जो मुनिया है वो अपनी दादी माँ से बहुत सारे सवाल पूछ रही है, क्या सवाल पूछती है, कहती है कि जूते के साथ ही जुराब क्यों रहती है, और जो गुलाब का फूल है वो अच्छा क्यों होता है, और जो कछुआ है ना वो इतना धीरे धीरे क्यों चलता है। बहुत सारे सवाल पूछती है मुनिया अपनी दादी से। आगे देखते हैं, नल से पानी, पानी, न पे कौन सी मात्रा है, बड़ी की, इसीलिए पानी। खींचे, ख पर मात्रा है, बड़ी की, खींचे मुनिया, नल से पानी खींचे मुनिया। फुलवारी, फ पर कौन सी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो बोलेंगे फु, फुलवारी, व पर है आ की मात्रा, फुलवारी को सींचे, स पर देखो कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, सींचे मुनिया। अम्मा बोली, अम्मा में म पर देखो कौन सी मात्रा है, आ की, और बोली, ल पर है बड़ी की मात्रा,
करे गुड़ाई, अम्मा बोले करे गुड़ाई, मुनिया झट खुरपा ले आई। अब हम मुनिया में देखो, छोटे उ की मात्रा है और न पर छोटी ई की, य पर आ की मात्रा, मुनिया झट रपा। ख पर कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की, तो बोलेंगे खु रपा। प में कौन सी मात्रा है? आ की, ले आई। अब हम इसकी पंक्तियों को फिर से पढ़ेंगे। नल से पानी खींचे मुनिया, फुलवारी को सींचे मुनिया, अम्मा बोली करें गुड़ाई, मुनिया झट खुरपा ले आई। मुनिया क्या करती है? पौधों को, फूलों को, सबको पानी देती है। पानी देने को बोलते हैं सींचना। तो मुनिया क्या करती है? नल से पानी लेकर के आती है और सब पौधों को पानी देती है। अम्मा कहती है, जो दादी अम्मा है ना, वो कहती है कि चलो हम गुड़ाई करते हैं, यानी कि नए नए पौधों को लगाते हैं। तो मुनिया क्या करती है? झट से खुरपा ले आती है। देखो पिक्चर में दिखा रखा है ना खुरपा उसके हाथ में। तो मुनिया जा करके फटाफट से क्या करती है? खुरपा ले आती है, क्योंकि पौधा लगाना होता है। ये तो बच्चों हो गई हमारी एक कविता, जून और मुनिया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। प्रश्न उत्तर में हमें दे रखा है कि कौन सा महीना था, इस कविता में कौन से महीने के बारे में बता रखा है, बताओ। सुनी थी ना कविता, कौन सा महीना था? जून का महीना था। ख है कछुए की चाल कैसी है, कैसी होती है कछुए की चाल, कैसे चलता है वो? जल्दी जल्दी चलता है क्या? नहीं ना, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे को लिखेंगे हम धीमी। कछुए की चाल धीमी है। ग है मुनिया क्या लेकर आई, क्या लेके आई थी जब दादी ने कहा था पौधे लगाने के लिए कि हम गुड़ाई करते हैं, तो मुनिया क्या लेके आई? उत्तर, मुनिया खुरपा लेकर आई। अब हम करेंगे प्रश्न दो, कविता की पंक्तियां पूरी करो। आपको भी कविता से गाते हुए याद कर लेनी है ताकि आप पंक्तियों को अच्छे से लिख पाओ। देखो सबसे पहले जगह खाली छोड़ रखी है और उसे हमें पूरा करना है। डैश बुढ़िया माँ के बाल कैसे हैं? रुई से, रुई से बुढ़िया माँ के बाल। मलमल से फिर माला माल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? माला माल। कछुए की डैश क्यों चाल, कैसी होती है कछुए की चाल? धीमी। तो यहाँ लिखेंगे कछुए की धीमी क्यों चाल। आगे है मुनिया डैश सवाल, क्या करती है मुनिया, कैसे सवाल करती है, थोड़े से या बहुत सारे? बहुत सारे करती है ना, तो लिखेंगे मुनिया पूछे बहुत सवाल। ये हो गया हमारा प्रश्न दो। अब हम करेंगे प्रश्न तीन, चित्र का नाम बोलो और लिखो। आप इस चित्र को पहचानोगे और यहाँ पर ये जो खाली जगह दे रखी है ना, इसे भर दोगे। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, किसका चित्र है ये, क्या दिखाई दे रहा है? कबूतर। आप यहाँ लिखोगे क बू त र। ब पर कौन सी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की, तो लिखोगे ब बड़े ऊ की मात्रा, क बू तर। यहाँ पे किसकी पिक्चर दे रखी है, किसका चित्र है ये? उल्लू का। तो हम यहाँ लिखेंगे उ उ ल लू, उल्लू। और ये किसकी पिक्चर है? देखो लड़का सोच रहा है और अपनी समझ से काम लेता है, ऐसे हाथ रख रखा है इसने, तो यहाँ पे क्या आएगा? सूझबूझ। स स पर हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़े ऊ की, तो यहाँ लिखेंगे सूझबूझ। अगला चित्र हमें यहाँ दे रखा है, ये किसका चित्र है? ये जो आंख है ना, आंख का ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, इसको इसको हम क्या बोलते हैं? पुतली। तो पुतली में कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की, तो लिखेंगे पु तली, पुतली। और यहाँ ये किसका चित्र है? कौन
कौन दिखाई दे रहा है ये देखो, इसने ऐसे माला पहन रखी है, हाथ में भी माला ले रखी है और तिलक लगा रखा है, कौन है ये? इसको बोलते हैं पू। अ पे कौन सी मात्रा है? छोटा ओ की। यहाँ लिखेंगे जा, ज पर आ की मात्रा, पू जारी। आगे देखो ये किसकी पिक्चर है, क्या दिखाई दे रहा है, इसके हाथ में क्या है? ये देखो इतने सारे गहने हैं इसके हाथ में, और ये खुद भी कैसा लग रहा है, ये देखो इसने टोपी लगा रखी है, गले में भी इसने देखो क्या पहन रखा है, माला सी पहन रखी है। तो ऐसी जो वेशभूषा होती है, ऐसी जो ड्रेस होती है, वो कौन पहनते हैं? और ये जो ये वाला हाथ में ले रखा है ना, इस सब का काम कौन करता है? ये गहने बनाने का काम कौन करेगा? गहने बनाने का काम यहाँ पे लिखेंगे सु। स पर कौन सी मात्रा है? छोटे उ की, तो बोलेंगे सु नार, सुनार। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 47। अब हम करेंगे पेज नंबर 48, और 48 में देखो क्या दे रखा है, प्रश्न 4, चित्र पहचान कर नाम लिखो। सबसे पहले देखो किसका चित्र दे रखा है, सुराही। यहाँ लिखेंगे सु, स पर छोटे उ की मात्रा, राही, सुराही। आगे देखो किसकी पिक्चर दे रखी है यहाँ पर, आड़ू। आ ड पर बड़े उ की मात्रा, आड़ू। या देखो हम पिक्चर को, इसमें एक वो काले अंगूर आते हैं ना, तो उनको अंगूर भी कहते हैं, तो यहाँ पर हम अंगूर भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही माने जाएंगे। अ उसके ऊपर बिंदी, ग उस पे बड़े उ की मात्रा, गुर, अंगूर। आगे चित्र दे रखा है मुर्गी का, तो म छोटे उ की मात्रा, मु गी बड़ी की मात्रा, मुर्गी। आगे हम देखेंगे किसका चित्र है ये, उ द बी लाव, उदबिलाव। बड़ा उ लगाते हुए उदबिलाव लिखेंगे, और ब पर कौन सी मात्रा आएगी, छोटी ई की। आगे देखो ये किसका चित्र है यहाँ पे, ये है जूता, ज पर मात्रा आएगी बड़े उ की, लिखेंगे जू ता। आगे ये क्या दे रखा है, ये है रुपए, र उसके ऊपर आएगी छोटे उ की मात्रा, जो उसके साथ में ही हम लिख देते हैं, नीचे नहीं लगाई जाती है, तो उसको बोलते हैं रू, प ए रुपे। ये हो गया हमारा प्रश्न 4। अब हम करेंगे प्रश्न 5। दिए गए शब्दों में से छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा वाले शब्दों को अलग करके रखना है। हमने यहाँ हेल्प बॉक्स दे दिया, इसमें से हमें निकालना है कि जहां पर छोटे उ की मात्रा लगी हुई है उसको हम छोटे उ की मात्रा के शब्द के नीचे लिख देंगे, और जो बड़े उ की है वहां हम बड़े उ की वाली मात्रा की जगह लिख देंगे। लाइन से चलते हैं, देखो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, सबसे पहले है क उ की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, कु माहार, कुम्हार। आगे दे रखा है हमें यहाँ पे, देखो इसी में तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब में बड़े उ की मात्रा लगी हुई है, बस एक ही था इस लाइन में। अब आगे आ जाओ, यहाँ देखो यहाँ है इसके ऊपर छोटे उ की मात्रा, क्या है ये, गु दिया, गुड़िया। आगे देखो यहाँ पे भी बड़ी उ है, अब हम यहाँ इसको देखेंगे, ये देखो यहाँ पे लगी हुई है छोटे उ की मात्रा, तो हम इसको पढ़ेंगे मधु, र मधुर, इसको हम यहाँ लिख देंगे। आगे देखो ये भी बड़े उ की है, यहाँ आ जाएंगे, ये देखो ल पर कौन सी मात्रा है, छोटे उ की, तो हम ये वाला भी यहाँ लिख देंगे, लु हार, लुहार। ये देखो कुर्ती, कुर्ती क पे भी देखो छोटे उ की मात्रा लगी हुई है, तो ये भी यहाँ लिख देंगे, कुरती, कुर्ती। और ये देखो यहाँ पे ज पर छोटे उ की मात्रा है, तो हम इसे भी यहाँ लिखेंगे, जुराब, जुराब। और मुनिया, म में भी कौन सी मात्रा है, छोटे उ की, तो उसे भी यहाँ लिख देंगे। कैसे पढ़ेंगे इसे, मुनिया, मुनिया। ये तो हो गए हमारे छोटे उ की मात्रा के शब्द। अब हम करेंगे बड़े उ की मात्रा के शब्द, यहाँ पर जो भी बड़े उ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं उनको हम यहाँ लिख देंगे। लाइन से चलेंगे, देखो सबसे पहले चूहा यहाँ आ जाएगा, शहतूत यहाँ लिखेंगे, तरबूज, तरबूज को भी यहाँ लिख देंगे, ये कुमार में तो छोटे उ की मात्रा आ गई और हमने वहां लिख लिया था इसको, ये फू
फ पे कौन सी मात्रा है? बड़ी उ की, तो फूलदान यहाँ आ जाएगा। आडू। ड पर कौन सी मात्रा है? बड़े उ की, उसे भी यहाँ लिख देंगे। दूध। द पर बड़े उ की मात्रा, इसलिए यहाँ आ जाएगा। गुड़िया हमने यहाँ लिख दिया था क्योंकि छोटे उ की मात्रा है। आगे मूली। म पर बड़े उ की मात्रा। मधुर यहाँ लिख दिया। धूप। ड पर कौन सी मात्रा है? बड़े उ की, तो ये यहाँ लिख देंगे धूप। आगे देखो, ये भी हो गया छोटे उ में, ये भी हो गया छोटे उ में, ये भी कर लिया हमने और ये भी कर लिया। ये सब छोटे उ की मात्रा के शब्द है, सब में छोटे उ की मात्रा लगी हुई है। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 5। आगे हम करेंगे पेज नंबर 49, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 तो आपको खुद को अच्छी तरह से आता होगा क्योंकि सिर्फ मैच तो करना है, ये तो आप सब अच्छी तरह से कर सकते हो। कैसे करेंगे? देखो, चित्रों को उनके नामों से मिला देना है। आप बताओ, देखो धनुष का चित्र कहाँ है? धनुष को धनुष से मिलाओ। कछुआ कहाँ बना हुआ है? कछुए से मिला दो। वेरी गुड। आलू। आलू उसके सामने ही दे दिया, आलू को मिला दिया। ऊंट। ऊंट को ऊंट के चित्र से मिला दो। आगे बगुला। बगुले को बगुले के चित्र से मिलाओ। झूला। सबसे नीचे दे रखा है। बटुआ। बटुए को मिला दो चित्र से। आगे पूरी। अब आगे दे रखा है हमें ऊन, ऊन तो पहले से ही मिलान किया हुआ है। आगे देखो मुकुट। हमने सभी चित्रों को अच्छे से मिला लिया है ना, वेरी गुड। अब हम आगे करेंगे प्रश्न नंबर 7। छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा सही स्थान पर लगानी है। यहाँ पे हमें कुछ शब्द दे दिए, उसपे मात्राएं नहीं लगाई हुई है, तो किसी शब्द पर हमें छोटा उ और बड़ा उ की मात्रा के शब्द लगाने हैं। सबसे पहला शब्द हमें यहाँ दे रखा है कछुआ, तो छ पर कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की, तो बोलेंगे कछुआ। आगे शब्द दे रखा है हमें, कौन सी मात्रा लगाओगे इसमें? इसमें आएगी छोटे ऊ की मात्रा, जुराब। जुराब। आगे हमें दे रखा है शब्द, कौन सी मात्रा आएगी? छोटे ऊ की, कुटिया। अगला शब्द है क्या? क्या कौन सी मात्रा लगाओगे? छोटे ऊ की, बगुला। बगुला। क्या देखा हमने? इन सब में छोटों की मात्रा आ रही है। अगली लाइन देखेंगे हम, क्या रखा है अगली लाइन में? कल। कौन सी मात्रा लगेगी? बड़े ऊ की, कुल। कुल। आगे है कौन सी मात्रा आएगी ब पर? छोटे ऊ की, बुड़िया। बुड़िया। आगे सु। स पर छोटे उ की मात्रा, सुराही। सुराही। अगला शब्द है सु। सुंदर। ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 8 में पढ़ो और अंतर समझो। प्रश्न 7 में हमें एक शब्द दे दिया जिसमें आगे हमें छोटे उ की मात्रा लगानी है और अगले शब्द में बड़े उ की मात्रा लगाती जानी है। जैसे सबसे पहले हमें दे दिया सख। सख में पहले हम छोटे उ की मात्रा लगाएंगे फिर बड़े उ की मात्रा, जिसका मतलब देखो यहाँ पर है सु, सुख, और यहाँ पे सुख। ऐसे ही हम आगे करते जाएंगे, सु र सुर। अगला शब्द आएगा सु र। बोलते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे बोलना है और बोलने के साथ ही इसके अर्थ में भी परिवर्तन होता जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारा ये पेज। अब हम आगे का पेज करेंगे जो कि है पेज नंबर 50। अगला शब्द है देखो चक। चक को हम छोटा और बड़ा उ लगाएंगे तो बोलेंगे चुक। ज पर छोटियों की मात्रा क्या बनेगा? चुक। चुक। चूक। आगे च पर बड़े उ की मात्रा लगने बन जाएगा चूक। आगे है लटना। लटना पे छोटे उ की मात्रा लगेगी तो क्या बन जाएगा? लुटना। और जब उसमें बड़े उ की मात्रा लग जाएगी तो लग जाएगा लूटना। लूटना। आगे है कल। कल में जब छोटे उ की मात्रा लगेगी तो बन जाएगा कु। कूल। और जब बड़े उ की मात्रा लग जाएगी तब
कूल। ये हो गए बच्चों हमारा प्रश्न 8। आगे हम करेंगे प्रश्न 9। ये देखो ऊपर एक देखो मैंने आपको रुपए में बताया था, उसी को बता रखा है। जब र होता है उसमें छोटों की मात्रा लगती है और बड़ों की मात्रा लगती है, तो कहाँ लगाई जाती है? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, गलती, र के नीचे छोटे और बड़ों की मात्रा को लगा देते हैं, जबकि नीचे नहीं लगाई जाती। क्या करते हैं, ये हमें दे रखा है र, र के पास में यहाँ पर उ की मात्रा लग जाती है। जब हम छोटे उ की मात्रा लगाते हैं तो ये जो मात्रा है ना ऐसे खुली रहती है, ठीक है। और हम इसको पढ़ते हैं गुरु, रुपया। ये देखो यहाँ पे देखो ये र पर ये मात्रा खुली हुई है, और वही बड़े उ की मात्रा में क्या करते हैं, इस मात्रा को अंदर से थोड़ा घुमा देते हैं ताकि ये शो करता है कि यहाँ पर बड़े उ की मात्रा है। जैसे यहाँ देखो शु रू र, ये अंदर जो मात्रा है ना ये थोड़ी सी फोल्ड मुड़ी हुई सी है, तो ये ध्यान में हमें दिलाती है कि ये बड़ा उ है। र के साथ में कौन सा रू है, बड़ा उ है। वैसे तो हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ण के नीचे मात्रा लगा देते हैं, चाहे वो छोटा उ हो या बड़ा उ, लेकिन र के साथ ऐसा नहीं करते। र के पास में छोटा उ और बड़े उ की मात्रा लगाई जाती है। छोटा उ होता है तो खुला रहता है, और जब बड़ा उ होता है तो अंदर से थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। हो गया क्लियर? आगे करते हैं प्रश्न 9। चित्र पूरा करो और रंग भरो। हमेशा की तरह चित्र को हमें डॉट्स को मिलाते हुए चित्र को पूरा कर देना है और सुंदर सा रंग भरना है। हो गया बच्चों, ये हो गई हमारी छोटा उ और बड़ी उ की मात्रा के शब्द। अगली कक्षा में हम री की मात्रा के शब्दों करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।